हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना डाइट चार्ट प्लान, जो कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि मैंने 31 डेज का जो चैलेंज लिया था उसमें अपना वेट लॉस कैसे किया। तो इस वीडियो में मैं अपना डाइट चार्ट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा डाइट चार्ट प्लान फॉलो करते हुए अपना वेट लॉस किया है। सो गाइस, वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये जो डाइट चार्ट प्लान है वो नॉट ओनली ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस के लिए है, बल्कि कोई भी इस डाइट चार्ट प्लान को फॉलो करते हुए अपना वेट लॉस कर सकता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग रूटीन से। तो जैसे ही आप उठते हो, ब्रश करने के बाद आप कर सकते हो कि एक वार्म वाटर ले सकते हो, ल्यूक वार्म बोल सकते हैं। गुनगुने पानी में आपको एक चम्मच क्या लेना है, लेमन का जूस लेना है, और एक चम्मच जो है हनी लेना है, उसको मिक्स करके पी लेना है, ठीक है। उसके 5 से 10 मिनट बाद अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो तो आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी, जो कि मैं करती थी। मॉर्निंग में मैं बादाम मिल्क लेती थी। बादाम मिल्क यानी कि मैं क्या करती थी, 1 kg या 2 kg की बादाम को पाउडर बना के रख देती हूँ और उसको दूध के साथ में 3 से 4 चम्मच मैं दूध के साथ में मॉर्निंग में ले लेती हूँ। तो ये मेरे लिए भी हेल्दी है और मेरे बेबी के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन बहुत मिलता है, इसलिए मैं ये लेती हूँ। और उसी के साथ में मैं 1 टीस्पून जो है चम्प्राश लेती हूँ, जो कि बहुत हेल्दी है। यहाँ पे अगर आप जानना चाहो तो मैं डाबर का चम्प्राश यूज़ करती थी, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा न्यूट्रिशन हो उसके अंदर और हेल्दी हो वही चम्प्राश आप यूज़ करना। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था। अब ये मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बताती हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में लेती हूँ 2 to 3 egg, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग आप ले सकते हो चेंज कर करके। मैं जो फॉलो करती हूँ वो सब आपको एक साथ बता रही हूँ, तो आप डे बाई डे उनको चेंज करके आप यूज़ कर सकते हो। तो 2 to 3 egg, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको वाइट पार्ट खाना है और येलो पार्ट को आपको निकाल देना है। उसके बाद में आप स्प्राउट्स ले सकते हो। स्प्राउट्स में आप 1 tablespoon के अंदर जीरा और राई के अंदर फ्राई करके स्प्राउट्स में मूंग ले सकते हो, काले चने ले सकते हो, वाइट चने ले सकते हो, मतलब ये सब आप स्प्राउट ले सकते हो। उसके बाद में आप अगर आपको किसी दिन चपाती खाने का मन है तो आप 1 से 1.5 चपाती ले सकते हो, कोई भी चटनी लगा के, जैसे धनिया की चटनी हो गई या फिर टमाटर की चटनी हो गई, पीनट की चटनी हो गई, ऐसे चटनी यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा सूजी का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि उसमें लेस ऑयल भी लगता है, प्लस टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो सूजी का जैसे हांडवा हो गया या फिर जैसे कि सूजी चिल्ला हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हो। और ब्राउन ब्रेड विथ पीनट बटर आप खा सकते हो, अगर जितना हो सके अगर आप घर में ब्रेड बना सकते हो तो वो खाइए, नहीं तो अगर आप मार्केट की ब्रेड प्रेफर नहीं करते हो तो मैं आपको बताऊंगी कि आप रोटी के साथ भी पीनट बटर लगा के खा सकते हो, वो भी एक हेल्दी है और बहुत बेस्ट आइडिया भी है और अच्छा ब्रेकफास्ट भी है, आप वो फॉलो कर सकते हो। उसके साथ में आप इडली बना सकते हो, डोसा बना सकते हो। डोसे में आप चाहो तो ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हो, ब्राउन राइस यूज़ नहीं करो तो आप कम चावल की मात्रा जो है कम रखो डोसे के अंदर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इडली सबसे हेल्दी होता है, चाहे सूजी की बनाओ चाहे आप कोई भी जो मूंग दाल वगैरह की होती है वो भी हेल्दी होती है। या मिक्स सैलेड ले सकते हो मॉर्निंग में, जैसे बीट रूट हो गया, कैप्सिकम हो गया, पीनट्स हो गए, कैरेट हो गए, इनका मिक्स सैलेड बना के वो भी आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। ये सब चीज़ें जो भी मैंने बताई है वो आप लोग क्या ना इनको ऑयल में बना सकते हो, लेकिन 1 and half teaspoon आपको लेना है। और आप चाहे तो इनको घी में भी बना सकते हो, 1 या 2 चम्मच घी ले लो और उसमें बना दो, तो घी आपके लिए हेल्दी है। और अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसको फेंक दीजिए। आपके घर में कोई दूसरा मस्टर्ड ऑयल हो गया या कोई भी ऑयल आप यूज़ करते हो, बस रिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो आप यूज़ कर सकते हो और लेस ऑयल में इन सब चीज़ों को बना के खा सकते हो। और घी तो हेल्दी रहता है, तो 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने भी लिया है और मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप घी खा सकते हो, अगर काऊ घी आप प्रेफर कर सको जो गांव में मिलता है तो बहुत ही बेस्ट है, बट आपको नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल आप जो भी घी खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। लंच में अपना बताने जा रही हूँ, लंच में मैं 2 to 3 चपाती लेती थी
और सैलेड में कभी कुकुम्बर हो गया, कभी कैरेट हो गया, ये दो सैलेड मेरे चलते थे। और जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खाने की प्रेफर करती थी, हरी सब्जियाँ जो होती है वो मैंने खाई है। और कभी कभी ऐसा होता था कि डेयरी का प्रोडक्ट जैसे कि पनीर की सब्जी बना ली कभी, तो ऐसे आलू जितना हो सके। आप आलू के लिए मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप वेट लॉस जर्नी आपने स्टार्ट करी है तो फर्स्ट स्टार्टिंग में आप आलू को स्किप कर सकते हो। जैसे ही आपका वेट लॉस होने लगता है, जैसे 4 से 5 kg वेट आपका कम हो जाता है, तो उसके बाद आप आलू स्टार्ट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप भर भर के खा रहे हो, आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में आलू को खाना है, जैसे एक आलू खा लिया या डेढ़ आलू खा लिया, ऐसे आपको खाना है। बहुत ज़्यादा आलू नहीं खाना है तो ये आप खा सकते हो। और लंच के लिए मैं आप कुछ भी खा सकते हो, बस अगेन यहाँ पे ये बोलूँगी कि आप ऑयल कम यूज़ करो, शुगर कम यूज़ करो और हरी सब्जियाँ खाओ, चपाती खाओ, सैलेड खाओ, ये आप ट्राई कर सकते हो। लंच में मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक हाई फाई रूटीन फॉलो नहीं किया था, बेसिक चपाती दाल ले ली कभी, डेयरी प्रोडक्ट में पनीर ले लिया कभी, छाछ ले ली कभी, तो ऐसे ऐसे मैंने फॉलो किया है। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। दाल आप जैसे बॉयल करके जैसे भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, बस वही लेस ऑयल में बनाना। हाँ, लंच करने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, आप चाहे तो लंच के आधे घंटे बाद भी ले सकते हो, पर मेरा क्या होता था, लंच करने के बाद थोड़ा सा वॉक करना, फिर वही घर का थोड़ा काम करना, तो मेरा 1 आवर हो जाता था। तो उसके बाद में कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। तो उससे क्या कि आपके लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है, तो आप फ्रूट ज़रूर लेना, उससे आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, एक गुड न्यूट्रिशन ऐड होता है, तो फ्रूट आप ज़रूर लेना। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ नेक्स्ट आपको इवनिंग के लिए जो स्नैक्स टाइम होता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ले सकते हो, उसमें आप कर्ड लगा के, पत्ता गोभी लगा के, या कैरेट लगा के, या कुकुम्बर लगा के, आप नॉर्मल जीरा पाउडर और काला नमक लगा के खा सकते हो, या हाफ चपाती रोल, जैसे कि आधी चपाती ले ली और दिन की बची कोई सब्जी है तो उसको रोल बना के खा लिया। अगर आप चाय के बहुत शौकीन हो, स्किप नहीं कर पा रहे हो, तो एक कप चाय बना लो और उसके साथ में आधी चपाती ले लो या आधी ब्राउन ब्रेड ले लो, और चाय को आपको गुड़ के साथ में लेना है, शुगर नहीं ऐड करना है। तो स्नैक्स भी इस टाइप से आप कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके ले सकते हो। बस हमेशा हर जगह ये ध्यान रखो कि लेस ऑयल और शुगर बिल्कुल हटा दो, तो ये कर सकते हो। और जिनको ऐसा है, बहुत लोगों का मैंने सुना है कि मीठा बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, तो आप वेट लॉस जर्नी को भी भूल जाइए, क्योंकि मीठा तो आपके लिए मतलब बहुत क्या कहते हैं ना, जहर है आपकी बॉडी के लिए। तो जो लोग मीठा स्किप नहीं कर सकते, मैं उनको बोलूँगी कि गुड़ खाओ, गुड़ में क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो गुड़ आप खा सकते हो। पाउडर गुड़ बहुत मिलता है मार्केट में, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। डिनर में आप क्या कर सकते हो, डिनर के लिए भी आप कर सकते हो कि आप कभी मिक्स वेजिटेबल्स की मतलब सैलेड टाइप बना लिया, 1 चम्मच घी लिया, उसमें जीरा राई डाल दिया और मिक्स वेजिटेबल डाल के वो खा सकते हो। 2 अंडे अगेन बॉईल कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, चिकन बना सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, लेकिन उसको भी कम तेल में बनाना है। और आप क्या कर सकते हो कि मूंग की दाल की खिचड़ी बना सकते हो मिक्स वेजिटेबल के साथ में, उसमें आप घी यूज़ कर सकते हो, सारी वेजिटेबल को मिक्स करके पीनट्स ऐड करके उनको हल्का सा फ्राई करके मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हो। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें मैंने बताया 24 आवर्स मैंने क्या ईट किया, तो आप वो भी खा सकते हो, वहाँ से देख लेना आप खिचड़ी कैसे बनाते हैं। और एक आपको मैं बताऊँगी कि आप अपने खाने में जितना मतलब आपको ज़रूरत है उतना ही नमक यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ मत कीजिए क्योंकि वाटर इनटेक करता है वो, तो इससे भी वेट लॉस करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप जितना ज़रूरत है आपको उतना ही खाइए, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोडियम यूज़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। मिक्स चपाती बना सकते हो, जैसे कि रागी हो गया, ओट्स हो गया, या बाजरा, ज्वार, इन सब की मिक्स चपाती बना के भी खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी फाइबर से होती है, तो फाइबर वाली चपाती बना के खा सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। और डिनर के वापस आधे घंटे बाद मैं आपको बोलूँगी कोई ना कोई फ्रूट लीजिए, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, तो फ्रूट ले लीजिए। और सैलेड का जैसे मैंने बताया आप वो ले सकते हो। और उसके बाद में 11 बजे आप जब भी सोते हो तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आधा ग्लास या आधे ग्लास से ऊपर आप टर्मरिक मिल्क लीजिए, बहुत अच्छा है वो भी हेल्थ के लिए, एंटीबायोटिक का काम करता है हेल्दी जो है, तो आप मिल्क ले सकते हो। या अगर आपको कोई शेक पसंद हो तो अपने मनपसंद फ्रूट के साथ शेक बना के ले सकते हो, अगेन वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आप गुड़ यूज़ कीजिए। तो इस टाइप से आप जो है अपने फूड को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने जो बताया वो मैंने क्या फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग है, आप इसमें भी मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये डाइट
फॉलो करने से आपका वेट लॉस हो रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें और एडिशनल कुछ ऐड करना चाहो या और कुछ मॉडिफाई करना चाहो तो भी ऐड कर सकते हो। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ये वीडियो जो है एक आपको बेसिक आइडिया है जो मैंने अपना वेट लॉस किया है, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है। और इस वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हो सकता है आप लोगों के लिए तो हेल्पफुल हो बट आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत थी, जैसे कि मुझे ऐसे कोई वीडियो की ज़रूरत थी और मुझे मिला नहीं था तो मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, तो आप लोग शेयर करना माइट बी हेल्पफुल फॉर समवन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।